ओके क्लास, सो ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। ओके सो वी वर ऑन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा लास्ट टाइम, कंपास नीडल, राइट। हमने यहाँ फाइंडिंग डायरेक्शन कर लिया था। वी हैव स्टडीड अबाउट द एम्परर ऑफ चाइना, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, एनीवन नोस मैम? हुआन। यस, द नेम हुआन ताई। सो द हुआन ताई, यस। ओके क्लास, सो आई कैन लिसन टू यू। फाइंडिंग डायरेक्शंस में हमने एम्परर ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा था, दैट ही हैड अ लेडी विद अ हैंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। ये जो लेडी थी वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में शो करती थी? साउथ डायरेक्शन में, साउथ। ठीक है, तो इससे जो वहां का एम्परर था उसको क्या होता था, रास्ते का कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके बारे में पता चलता था। यस, नाउ आई एम टू टेल यू अबाउट वन थिंग हियर, जस्ट वेट। ओके सो वी आर गोइंग टू फाइंड डायरेक्शंस, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। Why it is not working? कि बहुत क्यों नहीं कर रहा? Anyone knows? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी लिखा था, अभी साल लिखा तो लिखा था। ये तक मैं नोट कर रही हूँ। मैं अपने चेक, मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ जो कुछ लिख। ओके तो लीव इट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके नो इश्यू। सो हियर व्हाट वी अंडरस्टूड, हमें यहाँ पे दो चीजें समझ में आई, दैट मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। अगर आप एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी गिवन थी सस्पेंडेड मैग्नेट वाली, आपने पढ़ी भी होगी ये वाली एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जब भी आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो मैग्नेट रोटेट करती है, आप बार बार रोटेट करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, और कुछ टाइम के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दिस यू नो रोटेटिंग मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। ये कुछ टाइम के बाद किसमें आ जाएगी, कम्स टू रेस्ट एंड विल शो यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो बार बार आपने इसको घुमाया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, बार बार रेस्ट पे आ जा रही है। फिर से आपने उसको रोटेट कर दिया, इट इज ये थ्रेड से यहाँ पे टंगी हुई है, और आपने इसको फिर से रोटेट किया, फिर से ये रोटेट होगी, एंड आफ्टर सम टाइम फिर से क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में फिर से क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। इट मीन्स दैट अ मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन। ओके, अगर आप इस मैग्नेट की जगह पे कोई प्लास्टिक या वुड या फिर आयरन की रॉड को सस्पेंड करो और उसको यू नो रोटेट करो, तो क्या सेम चीज होगी? एनीवन? नो मैम। नो, सो इट मींस दैट मैग्नेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, एंड मैग्नेट ऑलवेज आप उसको कितनी बार भी रोटेट कर लो, पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, आ जाती है बार बार। ओके सो इट ऑलवेज कम टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल नो कि कौन कौन से डायरेक्शन हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, आप सबको पता है सन जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में यू नो आता है, किस डायरेक्शन में उठता है? ईस्ट। ओके, यू कैन सी हियर सन, हम लोग सन से पता कर सकते हैं कि जो हमारे निडल है या जो हमारा मैग्नेट है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो आपने क्या किया, सन अर्ली द मॉर्निंग हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में, सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, उगता है। तो आप यहाँ पे जब मैग्नेट को रखोगे और मैग्नेट जैसे ही आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि मैग्नेट जो है आफ्टर रोटेशन इस तरीके से हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सन था तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन।
डायरेक्शन, वो आपको कौन से डायरेक्शन बताते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब देखो जो एंड आपकी मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, द एंड विच सीक्स नॉर्थ डायरेक्शन, उस वाले एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। वी कॉल इट नॉर्थ पोल। नॉर्थ किस किस एंड को नॉर्थ पोल बोलेंगे? किस एंड को आप नॉर्थ पोल बोलोगे? किस एंड को नॉर्थ पोल बोलोगे आप? यस, जो पोल, जो एंड, द एंड विच शोज नॉर्थ डायरेक्शन, एंड ऑफ द मैग्नेट, एंड ऑफ द मैग्नेट शो विच शोज विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन। उस पोल को, उस एंड को आप क्या बोलोगे? उस एंड को आप क्या बोलोगे बेटा? नॉर्थ पोल। नहीं, यू विल कॉल इट नॉर्थ पोल। ओके, यू विल कॉल इट नॉर्थ पोल। सिमिलरली जो मैग्नेट का डायरेक्शन, जो मैग्नेट का एंड आपको साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, कौन सा डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। द एंड ऑफ द मैग्नेट विच शो यू द एंड ऑफ द मैग्नेट, एंड ऑफ द मैग्नेट विच शो यू साउथ डायरेक्शन, दिस एंड विल बी नोन एज, इस एंड को आप क्या बोलोगे? साउथ पोल। वेरी गुड, यू कॉल इट साउथ पोल और द मैग्नेट। कौन सा पोल? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल। इसी एंड को आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करे, नॉर्थ एंड, नॉर्थ सीकिंग एंड हो या फिर नॉर्थ, उसको आप क्या बोलोगे? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द अदर एंड दैट पॉइंट टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड एट साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। All magnets have, okay, clear. All magnets have two poles, whether their shape, whatever their shape may be. अगर आपके पास कोई भी शेप की मैग्नेट है तो हर टाइप की मैग्नेट में दो पोल्स हमेशा रहेंगे। एक पोल नॉर्थ पोल रहेगा और दूसरा कैसा? ओके, तो इट मीन्स अगर आपके पास ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट भी है, इफ यू आर हैविंग अ हॉर्स शू मैग्नेट, तो वन एंड ऑफ दी, ओके बेटा, सो दिस वन एंड ऑफ दी हॉर्स शू मैग्नेट विल बी अ नॉर्थ पोल एंड दी अदर विल बी नोन एज साउथ पोल। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी पोल्स ऑफ दी मैग्नेट। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल कम टू नो अबाउट वन थिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल। मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाने वाली प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल थी, ठीक है? फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। जैसे आप लोग जानते हो, आपने काफी सारी मूवीज भी देखी है, यू हैव सीन दैट जो समुद्र में जहाजों में जो सेलर चला करते थे उनके पास कोई डायरी, आप समुद्र में आप अगर हो, इफ यू आर इन अ सी एंड यू आर यू नो सेलिंग अ बोट एंड यू डोंट नो कि आपको जाना किधर है, किधर साउथ है, किधर नॉर्थ है, पानी में तो आपको पता नहीं है, तो वो जो ट्रैवलर्स होते थे वो क्या करते थे? दे जस्ट हैव अ सिंगल, वो एक पतला सा धागा लेते थे और उस धागे में छोटी सी मैग्नेट को क्या करते थे? लटका लेते थे एंड दे जस्ट अपने हाथ से उसको ऐसे टांग के देखते थे। फिर ये मैग्नेट जो होती थी फटाफट से रोटेट करने लग जाती थी एंड आफ्टर सम टाइम दिस मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, और थोड़े घूमने के बाद वो रेस्ट में आ जाती थी। तो उनके मतलब वो क्या करते थे, एक साइड को उन्होंने जहां पे, जैसे अगर मान लो वो अभी अर्थ मतलब अभी मान लो किसी कंट्री में है, तो उन्होंने कंट्री में देख लिया जहां पे नॉर्थ, उन्होंने नॉर्थ वाली साइड को कलर कर लिया। तो ये जो साइड जो उन्होंने अभी मैग्नेट को कलर किया वो हमेशा क्या दिखाएगा? नॉर्थ पोल दिखाएगा और दूसरा वाला साइड क्या दिखाएगा? साउथ पोल। तो वो क्या करते थे, इसको जब उन्होंने सस्पेंड किया,
सस्पेंड करने के बाद कुछ देर तक ये मैग्नेट क्या करेगी, रोटेट करेगी एंड आफ्टर सम टाइम दिस मैग्नेट गेट्स इन रेस्ट, ये मैग्नेट रेस्ट में आ जाएगी एंड दिस द वन एंड ऑफ द मैग्नेट विल शो यू विच डायरेक्शन तो उनको पता चल जाता था कि वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो नॉर्थ में चल रहे हैं या साउथ में चल रहे हैं। और जब उन्हें दो डायरेक्शन पता है तो वो बाकी के दो डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट। क्लियर, समझ में आया? अगर आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ के अगर आप लोग राइट में जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट, और इधर आप लेफ्ट में जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। सो एशियन टाइम्स में ट्रैवलर्स क्या यूज करते थे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, किस चीज को यूज करते थे, दे यूज नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड। व्हाट दे यूज, दे यूज नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड एंड वेरी गुड। ओके, दे ऑलवेज कैरी दीज स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेट विद देम टू फाइंड आउट द वेरियस डायरेक्शन। Is it clear now? Yes, ma'am. उसके बाद जब लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ना लिखना शुरू किया एंड दे गॉट मोर सिविलाइज्ड और उनको काफी चीजें पता चली, फिर उन्होंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके उन्होंने छोटी सी डिवाइस बनाई। यू कैन सी दिस डिवाइस ऑन योर बोर्ड, क्या आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, एनीवन नोस? इसको हम बोलते हैं कंपास। ओके, वेरी गुड। लेटर ऑन, तो इनिशियल कीप क्वाइट, Now listen to me. Initially, जब शुरुआत में तो ट्रैवलर्स क्या यूज करते थे, they just used a piece of magnet and they, you know, hung that magnet with a thread और उससे वो लोग नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता कर लेते थे। उसके काबू कुछ सालों के बाद लोगों ने एक डिवाइस बनाई जिसको हम लोग कंपस बोलते हैं। दिस इज अ कंपस एंड दिस कंपस, वॉट इज अ कंपस, इट इज अ कंपस इज यूजली अ स्मॉल बॉक्स, एक बहुत छोटा सा बॉक्स होता था विद अ ग्लास कवर, शायद आपने देखा भी होगा कभी कंपस। एक कंपस क्या होता है, एक स्मॉल बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक ग्लास का कवर होता है एंड इट हैज अ मैग्नेटाइज्ड निडल पिवोटेड इनसाइड द यू नो बॉक्स, दिस इज अ निडल। ये कैसी है, एक सुई है, आपने घर में वॉचेस भी देखी होगी, ऐसी ही कंपस में भी निडल होती है एंड दिस निडल इज मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड मतलब इट इज अ मैग्नेट, समझ में आया? ये जो निडल है वो कैसी है, दिस निडल इज मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेट किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह, ठीक है, मैग्नेट जैसे बिहेव करेगी। ओके, विच कैन रोटेट फ्रीली, ये जो निडल है वो आराम से फ्रीली घूम सकती है इस बॉक्स के अंदर। द कंपस ऑल्सो हैज अ डायल, डायल का मतलब उस कंपस के अंदर ऐसे यहाँ पे नॉर्थ लिखा रहेगा, मतलब वहां पे थोड़ा सा आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक डायल बना होगा उसके ऊपर ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शन लिखे होंगे। सॉरी, दिस इज नॉट ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो व्हाट इज रिटन, यहाँ पे आपको वेस्ट मिलेगा और वन साइड आपको ईस्ट मिलेगा एंड देयर आर वेरियस नंबर्स ऑल्सो रिटन कि आप कहाँ पे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। समझ में आ गया? सो अ कंपस इज हैविंग व्हाट इज, सो यू कैन सी दैट अ कंपस इज हैविंग वन स्मॉल बॉक्स। नीचे वाला है नॉर्थ, नीचे वाला नॉर्थ है, कैसे पता? यस मैम, कौन बताएगा मुझे, नॉर्थ ईस्ट लिखा है मैम। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट, ये बात नॉर्थ है। अच्छा, वेरी गुड, एक ने बताया दिस इज करेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग देख रहे हो अच्छे से, एंड दिस इज व्हाट, साउथ। ईस्ट के लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब बीच में क्या हुआ, नॉर्थ। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, सो आपको कंपस समझ में आया, व्हाट इज अ कंपस, अ कंपस इज, अ कंपस बेटा हूज माइक इज ओपन, कंपस प्लीज, ओके, म्यूट योर माइक सो दैट आई कैन
कंपास भी. अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट. अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली. द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल. यू कैन सी द डायल. ओके सो क्या होता है विद डायरेक्शन मार्क्स ऑन इट. तो यानी कंपास के अंदर ऑलरेडी डायरेक्शन लिखे होते हैं. द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. आपको कहीं जिस जगह पर डायरेक्शन पता करने हैं उस जगह पर लोग क्या करते हैं वहां पे कंपास को रख देते हैं. और जैसे आप कंपास को रखोगे इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. आपकी जो कंपास होगा जैसे आपने किसी प्लेस पे रखा तो क्या होगा थोड़ी देर तक तो जो नीडल है वो थोड़ी देर तक रोटेट करेगी एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट. थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी रेस्ट में आ जाएगी. द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल. ये जो नीडल थी इस नीडल के एंड पे जब तक नॉर्थ और साउथ ना आ जाए तब तक ये नीडल क्या करती रहती है रोटेट करती रहती है. एंड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट एक साइड पे नॉर्थ पॉइंट होता है दूसरी साइड पे साउथ. टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. यस टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन डिफरेंट कलर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये नॉर्थ है तो इसको ऑलरेडी किसी अलग कलर से कलर कर देते हैं हम लोग पहले ही. तो वो जो नीडल का हिस्सा है वो आपको हमेशा क्या दिखाता है नॉर्थ साइड और दूसरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपको क्या दिखाएगा साउथ. ठीक है तो इसलिए अब तो अब जो सेलर होते थे वो कौन से डिवाइस यूज करने लगे थे दे ट्राई टू यूज अ कंपास. एनी डाउट एनी वन कंपास पे कोई डाउट. नो प्रॉब्लम मैम. ओके वेरी डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन मेक योर ओन मैग्नेट. कभी आपने सोचा खुद की मैग्नेट बनाने के लिए कि यू वांट टू मेक अ योर मेक योर ओन मैग्नेट. यस मैम. मैग्नेट इज वेरी इजी टू मेक. देखो इसे बहुत इजी है. व्हाट यू विल डू यू विल हाउ आई विल टेल यू. यू विल टेक अ आयरन रॉड. आप क्या लोगे एक आयरन की रॉड ले लो और यू कैन टेक अ आयरन का पिन. आयरन आप आयरन से बना कोई छोटा सामान ले लो आयरन पिन ले लो आयरन की निडल ले लो या फिर आयरन की रॉड ले लो. यू कैन सी दिस इज अ आयरन रॉड. ये क्या है एक आयरन रॉड है. एंड व्हाट वी डू वी टेक अ बार मैग्नेट. हम एक क्या लेते हैं बार मैग्नेट लेते हैं और बार मैग्नेट में आप यहाँ पे डॉट देख सकते हो उस बार मैग्नेट के ऊपर. ओके सो इफ अ बार मैग्नेट इज हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. अब आपको चूज करना है कोई एक पोल. जैसे आपने नॉर्थ पोल चूज कर लिया तो अब आप क्या करोगे यू विल जस्ट प्लेस द आयरन रॉड ऑन द टेबल. आप आयरन रॉड को टेबल के ऊपर रख दोगे और ये जो नॉर्थ पोल है उसको आयरन रॉड के इस एंड के ऊपर ऐसे इस तरह से टच कराओगे. सिर्फ किसको टच कराओगे एक पोल को. दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. आप नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को टच कराओगे आयरन रॉड के ऊपर और आप क्या करोगे आप स्लोली स्लोली इसको स्लाइड करते हुए लेके जाओगे. छूते हुए आप इसको ऐसे बार मैग्नेट को धीरे धीरे खिसकाते हुए जाओगे और ये जो नॉर्थ पोल है ये पूरी रॉड के ऊपर से क्या होगा टच होता हुआ जाएगा. यहां तक जैसे आप इस एंड में पहुंचोगे वैसे ही आप अपने बार मैग्नेट को थोड़ा सा ऊपर उठा लोगे. ठीक है यू विल जस्ट यू नो ब्रिंग इट ऑन थोड़ा सा आप ऊपर उठाओगे फिर वापस से यही लेके जाओगे फिर से टच कराओगे इसको यहाँ पे. अभी भी भाई कौन सा पोल टच कराओगे नॉर्थ पोल. एवरी टाइम यू विल टच नॉर्थ पोल और फिर वापस से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लेके जाओगे जहां तक कहां तक सेकेंड एंड तक. जब तक आप दूसरे एंड पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप उसको लेके जाओगे और जैसे ही आप यहां पे पहुंच जाओगे वैसे ही आप फिर से बार मैग्नेट उठाओगे फिर से दूसरे एंड पे लेके जाओगे फिर से नॉर्थ पोल टच कराओगे फिर से पूरी मैग्नेट पूरे आयरन रॉड टच कराते हुए सेकेंड एंड पे आओगे. और आप ऐसा कितने टाइम्स करोगे 30 से लेके 40 टाइम्स तक. हाउ मेनी टाइम्स 32 40 टाइम्स. अब ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी. समझ में आया बेटा कितने लोगों को समझ में आया. जस्ट रेज योर हैंड्स. कितने लोगों को समझ में आया रेज योर हैंड्स. आदित्य कुमार सिंह. ओके मुशाबा आदित्य दुबे. प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. हु इज आस्किंग. कौन पूछ रहा है बेटा. मैम मी कृति. ओके कृति जस्ट वेट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके
ओके ओके नाउ जस्ट रीड इट विद मी. मेक योर ओन मैग्नेट. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट. लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. व्हाट वी हैव टेकन. वी हैव टेकन दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. दिस इज आयरन रॉड. ये क्या है? एक आयरन का पीस है. याद दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज वॉट. दिस इज आयरन रॉड. नाउ वॉट वी विल डू. जैसे ही आपने एक आयरन का पीस लिया, प्लेस इट ऑन अ टेबल. यू विल प्लेस द आयरन रॉड ऑन अ टेबल. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज. आपने क्या किया? एक बार मैग्नेट लिया और उसका एक पोल, दोनों पोल नहीं, कौन सा पोल? सिर्फ ओनली वन पोल. इधर यू विल टेक नॉर्थ पोल और या फिर आप क्या लोगे? साउथ पोल. आप कोई एक पोल लोगे एंड वॉट यू विल डू विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड. आप यहां से इस वाले एंड से बार मैग्नेट को टच कराओगे सिर्फ एक एंड से, और सिर्फ टच कराते हुए कहां तक ले जाओगे? दूसरे एंड तक. इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? यस मैम. ओके. नाउ जैसे आप दूसरे एंड पे पहुंचोगे, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम साइड. अब जैसे ही आप इस एंड पे पहुंच गए, आप मैग्नेट को उठा लोगे ऊपर की तरफ और उठा के वापस से कहां ले आओगे? फर्स्ट एंड की तरफ. वापस से यहीं पे लेके आओगे. वापस से वही जो एंड जो आपने पहले टच कराया था, वही वाला एंड आप वापस से इस पे टच कराओगे और फिर से स्लाइड करते हुए कहां पे आ जाओगे? यहां पे आ जाओगे अदर एंड पे. फिर से आप मैग्नेट को ऊपर हवा में उठाओगे, फिर से आप लेके जाओगे पहले वाले एंड पे, फिर से स्लाइड कराओगे और फिर से आप बार बार यही प्रोसेस कितनी बार करोगे? 30 से 40 times. यू विल रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 times. ठीक है, समझ में आया? अब जैसे ही आप ये 30 से 40 times कर लोगे, नाउ ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स. आप आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आओ और आप देखोगे कि जो आपका आयरन रॉड था, नाउ इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज फिलिंग्स. वो क्या करेगा? इन जो ये फिलिंग्स है उनको अभी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. और जब ये अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब अब ये आयरन रॉड क्या बन गई है? इट बिकेम अ मैग्नेट. व्हाट इज मैग्नेट? वेरी गुड. सो यू नाउ अंडरस्टैंड कि बार मैग्नेट आप कैसे एक अपनी खुद की मैग्नेट बना सकते हो? यस मैम. ओके. इफ यू हैव आयरन रॉड एंड इफ यू आर हैविंग अ बार मैग्नेट, देन प्लीज ट्राई टू मेक इट. एक बार बना के देखिएगा. इफ नॉट, अगर अच्छा हाँ, अगर मान लो यहाँ पे आपने आयरन फिलिंग्स रखी है और ये अट्रैक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी आपको ये प्रोसेस और कंटिन्यू करनी है. आप थोड़ी देर तक और ऐसे करोगे, लाइक 10 to 20 times ऐसे आप बार बार और करोगे, तो आपकी जो आयरन रॉड है वो क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी. यू कैन ऑल्सो मेक आयरन नेल. यस, यू कैन ऑल्सो मेक आयरन नेल, अ निडल और अ ब्लेड. आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? मैग्नेट में. सेम प्रोसेस करके आप एक आयरन नेल को, निडल को या ब्लेड को, डू नॉट यूज ब्लेड. नोबडी विल यूज ब्लेड. ठीक है, ब्लेड से हाथ कटने का डर रहता है, नोबडी विल यूज ब्लेड. तो आप लोग आयरन नेल या निडल को यूज करके भी क्या बना सकते हो? यू विल मेक अ मैग्नेट. अंडरस्टूड? ओके. नाउ एक्टिविटी नंबर 6. एक्टिविटी, यस बेटा. मैम, आई हैव अ डाउट एंड आई हैव सेंट ऑन योर पर्सनल चैट इन वीडियो. ओके, हाँ विवेक, यू आस्क, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? जस्ट आस्क मी अगेन हियर. आस्क योर क्वेश्चन. मैम अगर एक बड़ा सा मैग्नेट है, हाँ, और अगर हमने उसे 2 equal parts में डिवाइड कर दिया, हाँ, तो जो बीच वाला पार्ट था बड़े मैग्नेट का, हाँ, उसमें तो थोड़ी पावर होती है जो किसी आयरन को अट्रैक्ट कर सके. फिर हम अगर उसे तोड़ेंगे, हाँ, तो वहाँ पे ज्यादा पावर कैसे आ जाएगी? बेटा एक्चुअली क्या होता है, आप जब से बी से कट करते हो तो मैग्नेट की खुद की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, और जैसे ही आपने इसे ब्रेक किया तो ये नॉर्थ पोल तो नॉर्थ ही रहेगा और जहां से आपने ब्रेक किया था वहां पे अपने आप एक साउथ पोल बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जहां तोड़ा था ये नॉर्थ बन जाएगा और साउथ पोल रहेगा. लेकिन अब क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये पहले वाला था,
ये जो दो मैग्नेट्स बनेंगे दे आर वीकर मैग्नेट्स, ये कैसे मैग्नेट होंगे, वीकर होंगे क्योंकि आपने तोड़ दिया है तो इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो गई है, समझ में आया। आप जितनी बार मैग्नेट्स को तोड़ते हो या जितनी बार उस पर हैमर करते हो, अभी हम तो लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जितनी बार आप मैग्नेट को बीच से तोड़ोगे या मैग्नेट को आप हैमर से तोड़ोगे उतनी ही बार आपका मैग्नेट जो बनेगा टूट के जो नया टुकड़ा बनेगा वो कैसा होगा, वीकर होगा, वो कमजोर होगा आपकी पहली वाली मैग्नेट से, ये चीज समझ में आई। मैग्नेट होगा, यस दैट मैग्नेट विल बी, वो बनेगा तो मैग्नेट ही, वो होगा तो मैग्नेट ही, लेकिन वो कैसा मैग्नेट होगा, वो होगा वीकर मैग्नेट, कैसा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, हाँ वो कमजोर हो जाएगा, समझ में आया आपकी बात। Yes, ma'am. Okay. Vivek, समझ में आया? Yes, ma'am. Vivek, have you understood it? Okay. Now listen to me. Yes, ma'am. Okay, बेटा. ये एक्टिविटी नंबर सिक्स, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी है ये एक्टिविटी सिक्स, ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है, बहुत इजी है ये। Now, next is attraction and repulsion between magnets. अट्रैक्शन, दो मैग्नेट अगर आपके पास हैं तो वो अट्रैक्ट कब करेंगे और कब वो रिपेल, का मतलब होता है आपस से दूर दूर चले जाना, तो वो कब ऐसा होगा ये आपको पढ़ना है। तो आई एम जस्ट, देयर इज अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी गिवन, ये एक्टिविटी बहुत इजी है, मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ। सी, यू आर हैविंग टू मैग्नेट्स, ठीक है, एक का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एंड दिस इज एन अदर मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, मतलब दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब यू कैन सी साउथ एंड नॉर्थ, ये सेम पोल है कि अपोजिट पोल है, टेल मी मैम, सेम, दीज आर नॉट सेम, ये एक साउथ पोल है इस मैग्नेट का और ये क्या है, नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो ये कैसे पोल हो गए, ऑपोजिट, सेम सेम का मतलब दोनों तरफ नॉर्थ हो या दोनों तरफ साउथ हो, अगर आपके आमने सामने नॉर्थ है और साउथ है तो ये कैसे पोल हो गए, दे आर सेम पोल, और ऑपोजिट पोल का मतलब एक तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ साउथ या एक तरफ साउथ है दूसरी तरफ नॉर्थ, तो कौन से पोल हो जाएंगे बेटा, ऑपोजिट पोल्स, समझ में आया। Yes, तो नाउ जस्ट टेल मी, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में कैसे पोल है, ऑपोजिट है या सेम है, ऑपोजिट पोल का मतलब क्या है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ये वाला पोल इसके पास जाने की कोशिश करेगा और आपके दोनों मैग्नेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, आपके दोनों मैग्नेट आपस में क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था दूसरी मैग्नेट का, तो ये दोनों मैग्नेट क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे और दूसरे में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट का मतलब स्टिक कर जाना, समझ में आ रही है प्रॉपर्टी, एवरीवन इज इट क्लियर, ऑपोजिट पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, बोथ द मैग्नेट विल स्टिक टुगेदर बिकॉज ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर। सिमिलरली मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताई, सेकेंड प्रॉपर्टी आई हैव टोल्ड दैट सेम पोल, जब सेम पोल होते हैं तो क्या होता है, सेम पोल रिपेल ईच अदर, सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल का मतलब होता है, अगर ये नॉर्थ और साउथ है और यहाँ पे कौन सा पोल आ जाए, साउथ आ जाए और यहाँ पे नॉर्थ है, नाउ टेल मी ये दोनों पोल सेम है या ऑपोजिट है, same. तो सेम पोल क्या करते हैं, सेम पोल रिपेल, रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब दोनों वापस अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, एक सेकेंड आई विल शो यू,
ये वाली मैग्नेट जो ये वाली मैग्नेट है ये वापस से इधर की तरफ जाएगी, ये वाली मैग्नेट वापस से इधर की तरफ जाएगी, यानी दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे और क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर होना, ठीक है, और अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पास में आना। तो जब सेम पोल्स होंगे, जब सेम पोल्स होंगे मैग्नेट के, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। आप देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, वो पास नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे। और जब अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास पास में आएंगे। क्लियर, समझ में आया ये चीज? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू अंडरस्टूड, फ्रॉम हियर वी अंडरस्टूड दैट सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नाउ अब आपने क्या किया है, आपकी बुक में डायग्राम बना होगा, इसे ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम दे रखा है, आपकी बुक में कलरफुल डायग्राम है। यहाँ पे दो कार हैं, यू कैन सी, नहीं यहाँ पे फोर कार्स हैं, ए बी सी डी, चार कार हैं और चारों के ऊपर मैग्नेट चिपके हुए हैं और हर मैग्नेट में ब्लू और रेड दिया हुआ है, उसमें आपको नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है, टेबल 13.3 आपका होमवर्क है, सेम पोल और ऑपोजिट पोल के ऊपर है, आपको ये बताना है कि कौन सी कार आपस में एक दूसरे की तरफ जाएंगी और या फिर आपस में एक दूसरे दूर जाएंगी। ठीक है, तो जिनके मैग्नेट के सेम पोल एक तरफ होंगे वो दूर दूर जाएंगे और जिनके ऑपोजिट पोल सामने होंगे वो क्या होंगी, पास पास आएंगी। बिकॉज यू नो दैट सेम पोल रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट थिंग 13.3 उसके बाद आपने पढ़ा फ्यू कॉशंस आर दिस, मैग्नेट लूजेस देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अगर आप किसी मैग्नेट को हीट करो या फिर उसको हैमर करो या फिर उसे किसी हाइट से नीचे गिरा दो, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। यू नो मैग्नेट लूजेस देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, मैग्नेटिक कहलाएगा। हाँ, तो जो अगर आप उसे हीट करोगे किसी मैग्नेट को, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। एंड ऑल्सो मैग्नेट नहीं बेटा, फिर वो एकदम पत्थर की तरह वर्क करेगा, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। समझ में आया ना? तो अगर आप उसको बार बार जलाते रहोगे या उसको तोड़ते रहोगे या उसे नीचे गिराओगे, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है, आयरन को अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज, वो सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, यू, यस, नाउ हम लोग को जो मैग्नेट्स को हमें सही से रखना है, अगर हम उसे सही से रखेंगे नहीं तो भी वो खराब हो जाती है। सो हम लोग को कैसे मैग्नेट को रखना चाहिए, वी विल प्लेस मैग्नेट लाइक दिस। अगर जैसे मान लो आपके पास दो बार मैग्नेट है, तो दोनों बार मैग्नेट के बीच में आप एक वुड लगाओगे, वुड जानते हो ना, लकड़ी का टुकड़ा, यू विल प्लेस अ वुड इन बिटवीन टू बार मैग्नेट्स और दोनों के सेम पोल को सामने सामने रखोगे और पोल्स पे आप एक आयरन रॉड, दिस इज व्हाट, दिस इज आयरन, तो आप एक आयरन की रॉड को चिपका दोगे दोनों पोल्स पे और बीच में उनके एक वुड का टुकड़ा लगा दोगे, तो आपकी जो बार मैग्नेट है वो जल्दी खराब नहीं होगी। सिमिलरली हॉर्स शू मैग्नेट अगर आपके पास है, तो अगर वो जल्दी खराब ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके दोनों पोल्स पे एक आयरन का टुकड़ा लगा दोगे। यू विल प्लेस अ आयरन पीस ऑन द बोथ एंड ऑफ द क्या, हॉर्स शू मैग्नेट। समझ में आ गया बेटा? हाँ, क्यों नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आप लगा सकते हो, यू कैन प्लान बी ना, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू फॉर हॉर्स शू मैग्नेट्स, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, पोल्स के दोनों तरफ आप क्या लगा दोगे, एक आयरन का टुकड़ा लगा दोगे, तो आपके हॉर्स शू मैग्नेट जल्दी खराब नहीं होंगे। समझ में आया? और आपको क्या नहीं करना चाहिए, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और सीडी एंड कंप्यूटर। मैग्नेट को दूर रखना चाहिए इन सारे अप्लायंसेस से, वरना आपके ये सारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। समझ में आ गया? सो दिस वॉज अ चैप्टर फन विद मैग्नेट। आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, आंसर मैं अभी आपको व्हाट्सएप चैट में भेज दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स, आपको क्लास का कॉपी में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ये चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। ओके मैम। ओके बेटा, एक्सरसाइज के, यस बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, मैग्नेट।